PLN News की टीम गोरखपुर कुशकामों से आई थी, और गोरखपुर आने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि यहाँ से कुछ दूरी पे कंपियरगंज यूनानी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर एक बहुत बड़ा अदारा चल रहा है। तो हमें ये हुआ कि चल के देखें, क्योंकि इधर पूर्वांचल क्या है, यूपी में इतनी बड़ी कोई संस्था हमें नहीं दिखी। तो हमने ये सोचा कि चलें चल के इसमें क्या क्या विशेषताएँ हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या इसके रेट हैं, क्या क्या काम यहाँ होते हैं, हम ये जानना चाहने के लिए हम यहाँ आए। तो यहाँ के संस्थापक हमें मिले मुफ्ती मोहम्मद हमदा साहब। आइए, हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि इस अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या हो रहा है और इससे लाभ क्या हो रहा है, यूनानी दवाएं कितना असर करती हैं, क्या आज की मॉडर्न मेडिसिन से जो लोग घबरा करके भाग रहे हैं उनको उनके लिए यूनानी दवाएं एक विकल्प का रूप ले सकती हैं। तो हमदा साहब, पहले तो आपका PLN News में इस्तकबाल है, स्वागत करते हैं। और अब ये बताइए कि आपका ये अस्पताल जिसकी चर्चा हमने गोरखपुर में सुनी और इसे हम देखने आए, हमने देखा भी यहाँ बड़े आपके सेक्शन का ये दिखाई दे रहे हैं, OPD दिख रही है, एक बड़ा अस्पताल दिख रहा है, इसमें मकसद आपका क्या है इसका अस्पताल का? आपके यहाँ तशरीफ आवरी का शुक्रिया कि आपने यहाँ हॉस्पिटल का तस्करा सुन करके आप तशरीफ लाए और आपने मुझसे सवाल किए। ये यूनानी हॉस्पिटल कायम करने का इरादा इस तरह हुआ मेरा कि मैंने देखा कि इस वक्त हिंदुस्तान में एलोपैथ और यूनानी तरीक़ा इलाज में कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं है, मगर आयुर्वेद के साथ उसकी तहजीब भी साथ साथ आ रही थी। तो मुझे ख्याल हुआ कि देसी तरीक़ा इलाज यूनानी भी है और हज़ारों साल का तजर्बा शुदा है, इस पर बहुत से बड़े बड़े हुक्मा ने काम किया, मेहनत की और माशाल्लाह उसको एक ऐसा फन बना दिया कि पूरी दुनिया में एक सबसे नंबर एक पर यही इलाज जारी था। लेकिन इस वक्त हम लोगों की जैसे हर चीज़ में जवाल आया मुसलमानों का, तो इसमें भी जवाल आ गया, इलाज मुआलजे में भी हम लोग पीछे हो गए। बस यही एक जज्बा था जिसने हमें उठाया कि हम इसके लिए थोड़ी मेहनत करें और यूनानी तिब के ज़रिए मुसलमानों का जो तरीक़ा इलाज है उसको हिंदुस्तान में फिर से ज़िंदा करें। ये पहले यही इलाज था सारे शहरों में देहातों में, लेकिन फिर अब इसकी जगह पर आयुर्वेद का जब चर्चा होने लगा और आयुर्वेद ने अपनी तहजीब भी उसके साथ साथ शामिल कर ली, तो मुझे ये ख्याल हुआ कि यूनानी तरीक़ा इलाज जो है वो भी अपनी एक तहजीब के साथ है, तो उस तहजीब को ज़िंदा किया जाना चाहिए और लोगों को एक ऐसा इलाज मुहैया कराना चाहिए जो साफ़ सुथरा हो, पाकीज़ा हो, जिसमें किसी तरह की कोई गंदगी शामिल ना की जाए, पेशाब वगैरह ना पिलाया जाए, ख़राब चीज़ें ना खिलाई जाए और मुसलमानों का जो एक निज़ाम है पाकीज़गी, उस पाकीज़गी को बाकी रखते हुए लोगों को इलाज मुहैया कराया जाए, इसके लिए काम शुरू किया। हमदा साहब, इस पर कोई शुभ नहीं कि आज एक भगदड़ सी बची है अंग्रेज़ी दवाओं से, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट दिख रहे हैं हर तरफ, लेकिन एक मजबूरी भी है कि बहुत सी जगह सर्जरी वगैरह या बहुत सी जगह पे अंग्रेजी का कोई हल नहीं, मतबादल नहीं है। क्या आपको लगता है कि यूनानी दवाएं अंग्रेजी का मतबादल बन सकती हैं? देखिए, यूनानी दवाएं जो हैं, जो मैंने समझा भी है और इस चीज़ पे मेरा यकीन है और इसके लिए मैंने बाकायदा हकीमों की सोबत इख्तियार की है, बड़े बड़े हकीमों की, और वहाँ से जो मैंने पाया है वो ये है कि यूनानी इलाज सबसे बेहतरीन इलाज है, सबसे महफूज तरीक़ा इलाज है, और अगर इस तरीक़े इलाज को रायज किया जाता है तो एलोपैथ से जो बड़े साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं एलोपैथ के इलाज में, वो उनसे भी बचा जा सकता है। और जहाँ जहाँ एलोपैथ नाकाम हो रही है कि वो बरसों मरीज़ इलाज करता रह जा रहा है और ठीक ही नहीं हो रहा है मरीज़, उसमें यूनानी का तरीक़ा इलाज बहुत ही उम्दा और मुअस्सर है और जल्दी नफ़ा देने वाला है। आपके हॉस्पिटल में किस किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं? मैं अभी आपको अभी पिछले सवाल के जवाब में एक बात अभी बताना रह गया कि मैंने देखा ये कि अगर किसी शख्स को ब्लड प्रेशर का मरज हो जाता है तो एलोपैथ में वो बरसों दवाएँ खाता रहता है और ठीक नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी भर की दवा हो जाती है, फिर उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, किडनी पर असर होता है। तो यहाँ यूनानी में
एक हफ्ते के अंदर ऐसे मरीजों का इलाज हो जाता है। थायराइड का मरीज एक महीने में बिल्कुल ठीक हो जाता है, चंगा हो जाता है और उसे मजीद दवा की ज़रूरत नहीं रह जाती। एलोपैथ में एक आदमी थायराइड का मरीज होता है तो बरसों दवा खाता रह जाता है। शुगर का मरीज में हमारे वहाँ हॉस्पिटल में जड़ से ख़त्म किया जाता है। एलोपैथ में शुगर का मरीज़ ठीक होने का कोई सवाल ही नहीं होता, उसमें सिस्टम ही नहीं है कि कोई मरीज़ ठीक हो जाए शुगर का। इसी तरह से दिल के अमराज हैं, दिमाग के अमराज हैं, गुर्दे के अमराज हैं, ऐसे जो बड़े बड़े अमराज हैं जो एलोपैथ में बहुत बड़ा वो लेकर के बहुत चैलेंज लेकर के उसका इलाज किया जाता है, लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं, यूनानी तरीका इलाज में बहुत ही सस्ता और जल्दी इलाज उसका मुमकिन है। और अगर कोई यूनानी दवाओं का अपना मामूल बनाए तो फिर उसे मज़ीद इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से यूँ ही बचा रहता है। तो इसलिए ये इलाज मेरे हिसाब से बहुत ही सस्ता है और गरीबों के लिए और अमीरों के लिए सब के लिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सारे तरीका इलाज से बेहतर है। आपके यहाँ इस वक्त क्या क्या सेक्शन शोबे क्या काम कर रहे हैं और कौन कौन सा इलाज कर रहे हैं? जी आपने सही पूछा, ये जो मेरे वहाँ इलाज होता है इसमें दवा से इलाज तो हम लोग करते ही हैं यूनानी दवाओं से, लेकिन यूनानी दवाओं के साथ साथ तदबीर से भी इलाज करते हैं। तदबीर का मतलब ये है कि अगर हिजामे की ज़रूरत होती है तो हिजामा भी करते हैं, अगर मसाज की ज़रूरत है तो बॉडी का मसाज कराते हैं, अगर उसको नतूल की ज़रूरत है तो नतूल कराते हैं, बुखार की ज़रूरत है बुखार कराते हैं, स्टीम बाथ देते हैं, सोना बाथ देते हैं, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है तो फिजियोथेरेपिस्ट भी रखा है और उसकी सारी मशीनें भी रखी हमने, तो ये सारी चीज़ें भी सहूलत से मुहैया कराते हैं। तो इलाज भी दवा तो है ही, इलाज भी तदबीर भी है, और इसके साथ साथ हम लोगों ने इलाज भी ग़िज़ा का भी निज़ाम रखा है, यानी ऐसे डाइट प्लान हमारे पास हैं जिससे शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि शुगर को रिवर्स किया जा सकता है। ऐसे डाइट प्लान हैं जो थायराइड को ख़त्म कर सकते हैं, ऐसे डाइट प्लान हैं जो एनर्जी को पूरी तरह बूस्ट कर सकते हैं, यानी इंसान बिल्कुल मुकम्मल सेहतमंद और ताकतवर तंदुरुस्त हो सकता है। इस तरह का हम लोगों ने अपने आगाज रखा है। ज़रा हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी आप अपना अस्पताल घुमा के दिखाएं और वो सारे सेक्शन दिखाएं जो आपने भी बताए हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप इसके लिए हमारे जो हॉस्पिटल के एमडी हैं वो मैनेजर डायरेक्टर जो है वो मुफ्ती मोहम्मद उमर साहब, आप इनके साथ पूरे हॉस्पिटल का एक दौरा कर लीजिए। शुक्रिया। हम हमेशा के लिए तैयार हैं और हम तो चाहेंगे भी, क्योंकि ये हमारे मंत्री जी का शहर है और उनसे करीब का एक इलाका है, अगर वो चाहें तो इस चीज़ को और आगे बढ़ा सकते। इसके लिए आपने कुछ प्रयास किया? नहीं, अभी तक तो कोई प्रयास नहीं किया है और पहला प्रयास आप ही के मीडिया के माध्यम से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।